सर, जो बातचीत हुई है उस पर जरा गौर फरमाएंगे कि कल आप यात्रा में जुटे और उसके बाद आपकी बातचीत हुई थी। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि एक बार मुझे रिक्वेस्ट करनी थी उनको, जब सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर आप उसी रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो मैंने भी काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी, पर वो इस बात के लिए वो कह रहे हैं, हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे। ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मुझे मालूम है कि सब लोग चाहते भी हैं, पर मैं उनका सम्मान करता हूँ उनकी बातों का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, कार्यकर्ता चाहते हैं, तो मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान बहुत ज़्यादा है। पर एक बार हमने कुछ कारणों से तय कर लिया कि हम लोग इस बार नॉन गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति। सर, क्यों ऐसा बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाते रही है, ये भी एक वजह हो अब सकती? ये तो राहुल गांधी जी तो आप जानते हो कि 2019 के अंदर कह चुके हैं कि मैं बिना पद वही काम करूंगा जो मुझे पार्टी कहेगी, उसी रूप में मैं ज़्यादा काम करूंगा। मतलब वो तो वर्किंग कमेटी में कह चुके इस बात को, वो कि मैं आज भी उस बात पे स्टैंड करता हूँ कि मुझे बिना पद भी मैं कोई कमी नहीं रखूंगा, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कांग्रेस के लिए जो मुझे पार्टी कहती जाएगी। गहलोत साहब कब नामांकन करेंगे अब अध्यक्ष पद के? डेट तो मैं फिक्स अब जाके करूंगा, पर मुझे ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है, एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके, और मुझे उम्मीद है कि जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तमाम जो हमारे कांग्रेस के साथी भी हैं, चाहे वो कंटेस्ट भी करते हैं तब भी कोई बात नहीं, अगर हम चाहेंगे चुनाव के परिणाम के बाद में हम सब मिलके कैसे कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर हम मजबूत भी करें, और जो विचारधारा हमारी है उसको बेस बना करके हम लोग आगे बढ़ें और एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में उभर के आए हम लोग, ये मेरा मानना। इसके साथ ही एक सवाल होता है कि एक व्यक्ति एक पद, जैसा आप ही कह चुके हैं, राहुल जी भी कल संवाददाता सम्मेलन में कह रहे थे, तो उसके बाद राजस्थान का सिरमौर किसके सिर? क्या आप किसी का नाम सुझाएंगे, विधायकों की राय ली जाएगी, या किस तरह हाईकमान फैसला करेगा? देखिए, तो मैं यहाँ कोची में खड़ा खड़ा तो नहीं कह सकता, ये तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मिस्टर अजय माकन, वो और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी, वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। सर, एक छोटा सा सवाल था, राहुल जी से आपकी लगातार 2 दिन बात हुई, भारत जोड़ो यात्रा के अलावा भी कोई और बात हुई, या भारत जोड़ो यात्रा में फिर आप शामिल होंगे, इस तरह की कोई बात? देखिए, यात्रा में तो हम लोग समय समय पर आते रहेंगे, प्रयास करेंगे हर राज्य में कम से कम एक बार तो जाएं, पर यात्रा का मैं कह सकता हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे कंट्री के अंदर है। कई यात्रा निकालने लग गए लोग अपने जिलों के अंदर, कई राज्यों के अंदर, और महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। फिर जो राहुल गांधी जी की यात्रा का जो, इसके अलावा भी जो एक प्यार मोहब्बत आपसी विश्वास सद्भाव का माहौल देश में बना रहे, सब जातियों सब धर्म के बीच में, सब वर्गों के बीच में, ये भी एक थीम है। देखिए, बहुत बड़ी थीम है जिसकी देश को जरूरत है। आज आप ध्रुवीकरण करके कब तक देश को चला सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये जो बहुत ही राहुल जी का जो फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला है, और जिस रूप में जो लोग वेलकम कर रहे हैं केरला के अंदर, फिर पहले तमिलनाडु वाले लोगों ने, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं समझता हूँ कि पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से लोग स्वतः स्फूर्त होकर के आगे आ रहे हैं और जो सम्मान दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं,
वो मैं समझता हूँ बेमिसाल है। मतलब